हेलो फ्रेंड्स, पहाड़ी रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कराची कढ़ाई चिकन। मैं इसे बहुत ही इजी वे में बनाने वाली हूँ। ये कई तरीके से बनाया जाता है पर मैं इसे बहुत ही इजी वे में बनाऊंगी। इसे बनाने के लिए प्याज का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैंने चिकन लिया है 1/2 किलो, टमाटर 4 मीडियम साइज़, पिसा हुआ धनिया 2 छोटे चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, देगी मिर्च 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। फ्रेंड्स, जब भी हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें लहसुन ज़्यादा और अदरक का कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि अदरक से जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। नमक स्वादानुसार और हरी मिर्च, जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया है। मैंने 3 हरी मिर्च ली है, आप चाहें तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल 1 कटोरी, दही 1/2 कटोरी और पानी। आइए इसे बनाने की विधि शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई में सरसों के तेल को डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैं हल्का फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं उसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे थोड़ा सा फ्राई और करने वाली हूँ। चिकन अब फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने इसे कुंडी डंडे में पीसा है, आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट अब इसमें अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटरों को मैंने इस तरीके से 4 पीसेस में कट कर लिया था। इसे मैं टमाटरों के पकने तक अच्छे से कुक करूँगी। टमाटर आप देख सकते हैं थोड़े से नरम हो चुके हैं। अब मैं इन्हें कुक करने के लिए थोड़े से पानी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टमाटरों ने अब छिलके को छोड़ दिया है। अब मैं इन छिलकों को एक एक करके निकाल रही हूँ ताकि ये खाने में ना आए। छिलके बड़े अच्छे से अलग हो चुके हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले हरी कटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ, देगी मिर्च ऐड कर रही हूँ, पिसा हुआ जीरा ऐड कर रही हूँ, गरम मसाला ऐड कर रही हूँ,
हल्दी ऐड कर रही हूँ और पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ और पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। इस सारी सामग्री को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसे इसी तरीके से हिलाते हुए फर्दर कुक करूँगी जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। इसे कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि टमाटर जो थे वो पहले ही कुक हो चुके थे। आप देख सकते हैं मसाले ने तेल को छोड़ दिया है। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मैं 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरीके से हिलाते हुए कुक करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे हिलाते रहना है, नहीं तो दही फट सकता है। अब इसे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, मेरा कराची कढ़ाई चिकन अब रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। आप इसे एक बार बना के ज़रूर देखें। मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया है इसे बनाने का। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और आप इसे एक बार बना के ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।